Assalamu alaikum students, welcome from the Lahore Garrison School. I'm your computer teacher Zunaira Fazma. Today is your lecture number 9. So let's start the chapter. The unit number is 3.3, inserting charts. As we have discussed the MCQs and the reading earlier, so now we will start the question number 1. Why are the charts made in MS Excel? As you know that just MS Excel in the MS Office will have these charts as we want. So we have to choose the MS Excel for formatting our charts or to design our charts or to show or display our data in a numerical or graphical format. We have to choose charts from the MS Excel. So answer is, in MS Excel, charts are made to display series of numeric data in a graphical format. Okay students, अगर हमें charts का जो numerical data है, जैसे कि numerical data क्या, जो आपका math का कोई data है या आप कोई calculation करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या उसके लिए आपको चार्ट बनाना है और उस चार्ट पे ही वो डिस्क्राइब भी करनी है आपको वैल्यूज सारी, तो आप क्या करेंगे, एमएस एक्सेल लेंगे और उधर से चार्ट जो है, चार्ट की टाइप जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पाई चार्ट वगैरह, बार चार्ट, तो आप कोई भी चार्ट जो है उधर से सिलेक्ट करेंगे। आप जिस तरह के चार्ट पे अपने न्यूमेरिकल डाटा को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपने जो है डाटा को उसके अंदर एंटर करेंगे और जिससे हमारी जो न्यूमेरिकल डाटा है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि इफ़ यू सी दिस, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हेयर लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, help PowerPoint, design format. This is all the MS Excel and which you will see this, like the rows and the table and the charts which you want to here is the quick layout, chart layout. This means that how you want your chart to describe or to display here. So you will have to select the chart style from this, then you will enter your numeric data here, then you will create the chart title to describe your title here or to write a title here. If you want to enter your numerical values here, you have to write this in x or y axis, you have to write this. Okay, so there are a lot of options for to make your chart interesting or presentable. Okay students, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम एस एक्सेल को यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है वो चार्ट को जब डिज़ाइन कर लेंगे, आप उसे फाइल वाला जो ऑप्शन है इधर से आप उसे जो है वो सेव करके देन उसे शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी आपने उसे प्रेजेंट करना है आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डू वी हैव टू क्रिएट अ न्यू चार्ट ईच टाइम वी चेंज डाटा इन आर वर्कशीट। वो कह रहे हैं कि क्या हम लोगों को जब भी डाटा चेंज करना होगा तो हमें क्या नया चार्ट बनाना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि एम एस एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिर्फ इसी टाइप की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें बार बार जो है वो अपने डाटा को एंटर और रिमूव ना करना पड़े उधर से। हम एट अ टाइम सेवरल टाइम्स जो है हम लोग डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं और हम लोग मतलब उस पर ऑटोमेटिकली हमारी जो रीडिंग्स है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जो है वो हमारी उसके ऊपर चार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें बार बार उसके ऊपर चेंजेस नहीं करने पड़ते। वी हैव टू जस्ट मेक चेंजेस इन आर रोज और कॉलम्स और इन आर न्यूमेरिक डाटा विच हैव बीन रिटन इन योर रोज और कॉलम। ओके, तो आपको बार बार उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसका आंसर है नो, वी व्हेन वी
edit the data, and Excel will automatically update the charts to display the changes. वो कह रहे हैं कि नहीं, when we edit the data, जब हम डाटा को एडिट करेंगे MS Excel में, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर जो है वो चेंजेस को डिस्प्ले कर देगा. जैसा कि अगर आप ये देखें तो ये टोटली मतलब इसके ऊपर जितने भी राइट किया गया है, ये सब कुछ डाटा ये ऑटोमेटिकली रिटर्न है. जब आप उसको इन रोज और कॉलम्स में राइट करते हैं डाटा को, तो वो इस चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है. और अगर आप उसके ऊपर कोई अपना चार्ट टाइटल ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इजीली यहाँ से चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हो. तो आप किसी भी तरह की फॉर्मेशन कर सकते हो, किसी भी तरह का चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हो. तो चार्ट के डिज़ाइन भी हमने देखे थे, जैसे कि ये मोर चार्ट का ऑप्शन है, ठीक है, चार्ट टाइप का ऑप्शन है. तो इससे आप उसकी टाइप्स चेंज कर सकते हो. आपको ऐसा कोई लाइन चार्ट चाहिए, आपको कॉलम चार्ट चाहिए, कोई पाई चार्ट चाहिए, तो वह आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि आपका चार्ट जो है आप जिस टाइप से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं. फिर चेंज कलर्स इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग दिस कलर्स आर इंटरेस्टेड फॉर यू, सो यू विल चेंज योर कलर्स फॉर योर चार्ट एज ब्लू कलर और द ऑरेंज कलर आर शोन हेयर, बट यू वॉन्ट योर कलर्स टू बी चेंज्ड, सो यू विल सेलेक्ट द चेंज कलर्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन हेयर टू मेक योर चार्ट इंटरेस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, Hope you have understood this lecture, and if you have any kind of question, you can ask me. You have to write your question on your notebook, then you will ask me in your class, okay? Your diary will be one classwork. Thanks, students.